नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, मैं आपको कौन सी बुक करवा रही थी? मैं आपको डिस्कवरी बुक करवा रही थी, हिंदी में डिस्कवरी बुक करवा रही थी। डिस्कवरी बुक में पार्ट 7, कौन सा पाठ नंबर क्या है, पाठ की संख्या 7 और पाठ का नाम क्या है? नक चढ़ी राजकुमारी। क्या नाम है? नक चढ़ी राजकुमारी। तो इसका फर्स्ट प्रश्न मैंने करवा दिया, थर्ड भी करवा दिया, लेकिन सेकंड मैंने करवाया नहीं था। तो आज मैं आपको वो सेकंड प्रश्न करवाने जा रही हूँ। आपने भी इस प्रश्न को अपने डिस्कवरी बुक में ही करना है। कौन सी बुक में करना है? डिस्कवरी बुक में। कहानी में दर्शाई एक मुख्य समस्या है। कहानी में दर्शाई एक मुख्य समस्या है। पेंटी का पेनी के प्रति ईर्ष्या भाव। इस समस्या से संबंधित कारण और प्रभाव सोचकर आरेख में लिखिए। इस समस्या से संबंधित कारण और प्रभाव सोचकर आरेख में लिखिए। उदाहरण के लिए दिए गए एक कारण व प्रभाव को पढ़िए, समझिए और आरेख पूरा कीजिए। आरेख समझते हो? ये देखो, इधर क्या है, ऊपर 3 बॉक्स बने हुए हैं। एक में प्रभाव लिखा हुआ है और इसके नीचे ही इसका कारण भी लिखा हुआ है। ऊपर सबके प्रभाव लिखने हैं, जो आरेख लिखेंगे प्रभाव लिखने हैं इसमें, और नीचे उस प्रभाव के कारण भी लिखने हैं। क्या लिखने हैं? कारण। तो देखिए, पहले अपना प्रभाव पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? पेंटी द्वारा पेनी को नक चढ़ी राजकुमारी की संज्ञा देना। किसके द्वारा? पेंटी द्वारा पेनी को नक चढ़ी राजकुमारी की संज्ञा देना, क्योंकि वो अपाहिज थी, चल फिर नहीं सकती थी इसलिए। तो इसका कारण परिवारजनों द्वारा पेनी की अत्यधिक तारीफ करना। परिवार वाले मम्मी पापा उसकी तारीफ इसलिए करते थे क्योंकि वो बेचारी चल फिर नहीं सकती थी, ताकि वो खुश रहे। लेकिन पेंटी हमेशा इसका गलत मीनिंग ही निकालती थी। उसके मन में हमेशा यही रहता था कि मेरे को मम्मी पापा प्यार नहीं करते, मैं उनको अच्छी नहीं लगती, मेरे से ज़्यादा अच्छी उनको पेनी लगती है। परंतु उसका ये सोचना गलत था। अब देखो समस्या, पेंटी का पेनी के लिए ईर्ष्या भाव। समस्या क्या है? पेंटी का पेनी के लिए ईर्ष्या भाव। अब देखिए, प्रभाव लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं प्रभाव। पेंटी द्वारा पेनी को वही पेनी की पेंटी द्वारा पेनी की वही चेयर को वही चेयर वही चेयर को वही चेयर को सिंहासन का नाम देना। पेंटी द्वारा पेनी की व्हील चेयर को सिंहासन का नाम देना। ये तो था इसका प्रभाव।
अब इसका लिखिए कारण। पेनी का सारा दिन वही चेयर को पेनी का सारा दिन व्हील चेयर पर बैठकर हुक्म चलाना। ठीक है, ये तो हो गया कारण। पेंडी द्वारा पेनी की व्हील चेयर को सिंहासन का नाम देना। फिर है पेनी का सारा दिन व्हील चेयर पर बैठकर हुक्म चलाना। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्या लिखना है? पेंडी का पेनी को फिल्म स्टार कहना। ठीक है, पेंडी का पेनी को फिल्म स्टार कहना। और इसका कारण, पापा का पेनी की व्हील को धक्का देना और पेनी का मुस्कुराकर हाथ हिलाना। देखिए, ऊपर प्रभाव लिखने हैं, नीचे कारण। फर्स्ट प्रभाव है, पेंडी द्वारा पेनी की व्हील चेयर को सिंहासन का नाम देना। दूसरा प्रभाव, पेंडी का पेनी को फिल्म स्टार कहना। फिर इधर, पेनी का सारा दिन व्हील चेयर पर बैठकर हुक्म चलाना, यह है कारण। फिर है, पापा का पेनी की व्हील चेयर को धक्का देना और पेनी का मुस्कुरा कर हाथ हिलाना। समस्या क्या थी? पेंडी का पेनी के लिए ईर्ष्या भाव, जो मैंने आपको करवा दिया है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 3, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। प्रश्न नंबर 3, तो कल मैं करवाऊंगी आपको प्रश्नों के उत्तर। क्या करवाऊंगी? प्रश्न नंबर 4, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये करवाऊंगी मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। कहानी के रंग में पेंडी पेनी के बारे में क्या सोचती थी? पेंडी पेनी को नक चढ़ी राजकुमारी कहती थी। वह सोचती थी कि पेनी पहिए वाले सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाती है। ये है इसका फर्स्ट आंसर, प्रश्न का आंसर। पेंटी, ध्यान से देखिए, पेंटी पेनी को नक चढ़ी राजकुमारी कहती थी। वह सोचती थी कि पेनी पहियों वाले सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाती है। ये क्या है? कहानी के आरंभ की बात है। पेंटी पेनी, ये क्या है? दोनों बहनें हैं। पेंटी हमेशा पेनी के बारे में क्या सोचती थी? जो सोचती थी वो हमने लिख दिया।
धन्यवाद।